अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बधेल प्रशासन पर आपदा को अवसर बनाने का आरोप लगाया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए 25 लाख स्वीकृत किए गए थे, जिससे कि 10 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर खरीदे जा सके और आम जनता को राहत दी जा सके, लेकिन जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने इसमें गड़बड़ी कर दी और इस महामारी के बीच भी अवसर तलाशने का प्रयास किया और कम दर वाले ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर खरीद दिए, जो कि जनता को तुरंत राहत प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे में इन सभी ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के चैम्बर में लाया गया, जहां उनको इसकी जानकारी दी गई और इस मामले में जिन लोगों की गड़बड़ी व मिलीभगत है, उन पर कार्यवाही की मांग की गई है। इस संबंध में अनीता बधेल ने मामले की जांच कराकर ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर भी रिप्लेस कराने की मांग की है, जिससे कि आपदा के समय में मरीजों को तुरंत राहत मिल सके। देखिए, कोरोना काल में भी कैसे जो सरकारी मशीनरी है वो आपदा को अवसर बनाती है, ये इसका ज्वलंत उदाहरण आज हमारे सामने देखने को मिला है। मैंने अपने विधायक कोष से 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हेतु स्वीकृत किए थे। ये स्वीकृति जानी होने के समय मैंने ये नहीं लिखा था, उसमें मेंशन नहीं किया था कि कितने कंसंट्रेटर होने चाहिए। मेरा ये था कि 25 लाख में जितने भी कंसंट्रेटर खरीदा जा सके 10 लीटर के खरीदने चाहिए। पिछले बुधवार को ही ये सप्लाई मुझे मिली और हमने चंद्रोदयी नगर में इसका उद्घाटन किया। लेकिन जब मैंने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देखा तो मुझे लगा कि ये तो खिलौना ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ऑक्सीजन बैंक के कंसंट्रेटर का उद्घाटन किया है। और जब मैंने देखा कि ये खिलौना है, तो मैंने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक्चुअल में थे उनसे मैंने बात करी। तो हमारी तोशीवाल इंडस्ट्री के मैनेजर हैं, जिनसे मैंने बात करी कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैडम 2 लीटर पर ही 100% प्योरिटी वाली जो है वो ऑक्सीजन दे सकता है, 96 या 90। ये जैसे जैसे लीटर बढ़ाते हैं, 4 लीटर पर ये कम हो गई, जैसे ऑक्सीजन 7 लीटर करी तो ये 70% हो गई, फिर ऑक्सीजन 10 लीटर करते हैं तो ये 30% पर आ जाता है ये कंसंट्रेटर। ये किसी भी तरह से मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है, कमर्शियल मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि इसको मेडिकल के ऑफिसर्स ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से खरीदा गया है और इसकी कॉस्ट भी 83,000 है, जबकि ये एक्चुअल में जो 10 लीटर का जो कंसंट्रेटर है जिसको आप देख रहे हो उसकी कॉस्ट भी जो है 83,000 ही है। ये 2 लीटर पर प्योरिटी वाला ऑक्सीजन दे रहा है, वो 10 लीटर पर भी प्योरिटी वाली ऑक्सीजन दे रहा है। इसकी जो बुकलेट है उस बुकलेट पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, किस कंपनी का कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ से आया। ये देखिए बुकलेट है, इसमें कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन सी कंपनी का है ये बुकलेट, इसका पीछे क्या एड्रेस है, कोई एड्रेस नहीं है, है ना, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ ये दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, ये पूरी खाली है। इसके साथ ही साथ ये देखिए इसमें ओवरराइटिंग भी किया हुआ है, ये देखिए ये स्पष्ट रूप से ओवरराइटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, है ना, MPR को जो है कम किया है, नीचे ये 1.7 को 0.7 किया है, है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये उन्होंने हाथ से, ये 26 के 26 जितने कंसंट्रेटर आए हैं उन 26 कंसंट्रेटर के बुकलेट पर ये इन्होंने किया है। दूसरी ओर ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, उस पर कहीं पर भी कंपनी का कोई मार्क नहीं है कि ये इस कंपनी का, सिर्फ स्टिकर चिपकाया गया ऊपर से। जबकि हम किसी भी छोटी कंपनी का भी कूलर भी खरीदते हैं, सिम्फनी का कूलर खरीदते हैं तो उस पर सिम्फनी लिखा हुआ आता है ना। यदि हम पैनासोनिक का कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर पैनासोनिक लिखा आता है, हम फ्रिज लें, कूलर लें, टीवी लें, MI का लेते हैं तो उस पर MI लिखा हुआ आता है, लेकिन इस पर कहीं पर भी लिखा है डिब्बे पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसका वेट जो कंप्रेशर है वो बहुत हल्का कंप्रेशर है, वो 10 लीटर की ऑक्सीजन नहीं दे सकता, जबकि दूसरे जो 10 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उनका वेट 26 kg है, 30 kg के आसपास भी है, क्योंकि कंप्रेशर हैवी है, हैवी कंप्रेशर ही फ्लो से ऑक्सीजन दे सकता है, ये कंसंट्रेटर फ्लो से नहीं दे सकता। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारी खामियाँ, जबकि इसकी कॉस्ट किसी भी तरह से कम नहीं है, मार्केट में इसका वैल्यू 30,000 रुपये है और जो खरीदा गया है सरकारी रेट पर वो 83,000 की रेट पर इसको खरीदा गया है। तो मुझे लगता है कि ये आंखें बंद करके प्रशासन ने इसको किया है, और चूंकि सरकारी खरीद है, पैसा खुद की जेब से नहीं लग रहा, इसलिए कंपनी कोई सा भी माल दे जाए हम तो खपा लेंगे, ये किसी भी सूरत में किसी भी मरीज को काम आने वाला नहीं है, जबकि मरीजों के लिए ये खरीदा गया था। तो मुझे लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का चिकित्सा मंत्री सोया हुआ है और उनको कोई लेना देना नहीं है,
जनता जाए भाड़ में, जंगल राज स्थापित है। सरकारी खरीद जो विधायक कोष से खरीदे उसका ये हाल है, तो वो सरकारी खरीदों का क्या हाल होता होगा जहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है, जहाँ से सरकार से सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र होता है और ये लोग खरीदते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, 25 लाख रुपए की राशि को किस तरह से बर्बाद किया गया है इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी भी सूरत में ये मरीजों को काम नहीं आने वाला है। और जिस दिन खरीदा गया था उसी दिन मैंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को ये जानकारी दे दी थी, जिस दिन मैंने ये देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भुगतान करना ये बताता है कि किस तरह से भुगतान की जल्दबाजी की गई है। तो ये मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, जब तक ये कंसंट्रेटर वास्तव में जिसने 10 लीटर के मैंने कहे थे 10 लीटर के नहीं आ जाते, तो हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उसने जाँच कराई है और जाँच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ होने वाला है। उन्होंने कहा हम जाँच करा लेंगे, जांच कराने के लिए कहा उन्होंने, हाँ रिप्लेस करने के लिए कहा कि इनको दे और वापस वो वाले 83 वाले लेके आए। ठीक है, क्या ये रिप्लेस हो सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं रिप्लेस हो सकते? जो जो प्योरिटी है कोविड पेशेंट के लिए कम से कम 90% चाहिए। हाँ, कम से कम 90, हाँ अगर ये प्रायोरिटी कम कर रहा है किसी भी रीजन से तो मरीज की जान जा सकती है इसमें, मरीज की जान भी जा सकती है। आप देखिए ना इसमें किस तरह से ये भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, कोई आदमी तो ले जाएगी भैया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अलार्म होना चाहिए 90% से कम अगर प्योरिटी हुई तो, एक अलार्म बोलेगा हमारे इसमें, अलार्म बजता ही नहीं है इसके अंदर तो। और पिन जो है ना इसकी, वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती, वो पिघल करके ख़त्म हो जाएगी 4 घंटे। ये तो 24 आवर के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये तो 4 घंटे भी नहीं चल सकता। तो 4 घंटे बाद में फिर आदमी लाएगा कौन सा डिवाइस, का दूसरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके जाएंगे उसको? तो ऐसे तो कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, आप देखिए। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्ता, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।